तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने अपने YouTube चैनल से साल 2022 में कितने पैसे कमाए। फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इस चैनल पे इस तरह के वीडियोस नहीं डालता हूं। मैं इस चैनल पे बिजनेस रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड वीडियोस डालता हूं। थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो चैनल है व्यूअरशिप के मामले में और सब्सक्राइबर्स के मामले में इंडिया में दूसरे नंबर पे आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बिजनेस रिलेटेड निश में। बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे लेकर चलता हूं, दिखाता हूं कि मेरी क्या इनकम है। पूरी की पूरी इनकम रिवील करने वाला हूं आप लोगों को, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और लास्ट में वीडियो के मैं आप लोगों को एक और सरप्राइज देने वाला हूं। काम करता हूं, जल्दी से आप लोगों को एनालिटिक्स की तरफ लेके चलता हूं, दिखाता हूं कि मेरा एनालिटिक्स किस तरीके से दिखता है और कितने पैसे मैंने कमाए हैं यह 2022। तो आप लोगों को चैनल का डैशबोर्ड दिखा देता हूं। इस टाइम पे मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं वो है 151,203। तो ये मेरा यूट्यूब एनालिटिक्स है। मैं इस चैनल पे लास्ट 2 महीने से मैंने वीडियोज नहीं डाले, तो थोड़ा सा इनकम कम हुआ है। तो पिछले 1 महीने का आपको एस्टिमेटेड इनकम यहाँ पे दिख रहा है, कुछ 15,000 रुपये मैं बना चुका हूँ लास्ट 28 दिन के अंदर। तो यहाँ चलते हैं और मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको लास्ट 365 डेज का मैंने कितना कमाया है। सो लास्ट 365 डेज में मैंने अराउंड 112,776 रुपये कमाए हैं फ्रॉम YouTube। आपको एग्जैक्ट फिगर इस टाइम पे स्क्रीन पे दिख रहा है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ, लास्ट 1 साल की, क्योंकि मैं आपको पूरी लाइफ टाइम की इनकम दिखाता हूँ। सो मेरी लाइफ टाइम की इनकम दिखाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं YouTube का फैक्ट बता दूं, क्या आप लोगों को 2023 में अपना YouTube चैनल खोलना चाहिए। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 2022, ओवर 2.6 बिलियन वर्ल्ड वाइड यूजर्स YouTube वंस इन अ मंथ। इंडिया हैज द मोस्ट यूट्यूब यूजर्स इन 2022, एस्टिमेटेड एट 467 मिलियन। टेक्निकली यूट्यूब इज द सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन। ये तो सबको पता है कि YouTube जो है वो Google के बाद सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। यहाँ पे लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए भी आते हैं। YouTube अकाउंट्स फॉर अराउंड 25% ऑफ ग्लोबल मोबाइल ट्रैफिक। पूरे वर्ल्ड का 25% मोबाइल ट्रैफिक YouTube पे जाता है। YouTube शॉर्ट्स जनरेट मोर देन 30 बिलियन व्यूज पर डे। 30 बिलियन व्यूज आते हैं YouTube शॉर्ट्स में पर डे। तो 70% ऑफ व्यूअर्स हैव मेड अ परचेज आफ्टर सीइंग अ ब्रांड ऑन YouTube। मतलब 70% तक लोग जो है ना YouTube पे ब्रांड को देखने के बाद अपना परचेज डिसीजन चेंज कर लेते हैं और उस ब्रांड का सामान खरीदते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, आज की डेट में YouTube खोल के देखो, हर एक बड़ी कंपनी का CEO ना आपको किसी ना किसी पॉडकास्ट पे, किसी ना किसी YouTube के वीडियो पे मिल जाएगा। और ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है आज की डेट में अपना ब्रांड इमेज क्रिएट करने का। यू नो, जब आप TV पे ऐड देते हो, TV पे ऐड जब तक आप रन करोगे तब तक आपको पैसा देना पड़ता है। YouTube पे अगर आप आते हो और स्पॉन्सर वीडियो भी देते हो किसी को, तो एक बार वो वीडियो जाएगा और वो लाइफ टाइम YouTube पे घूमता रहेगा। लोग लाइफ टाइम जब तक YouTube है उस वीडियो को आपका देखते रहेंगे। तो ROI YouTube पे जो है एडवर्टाइजमेंट का, वो बहुत तगड़ा होता है। और इनफैक्ट आज की डेट में तो सारे CEOs, बड़े बड़े Zerodha के CEO ले लो, चाहे सुट्टा बार के CEO ले लो, MBA चाय वाला के CEO ले लो, सारे आपको पॉडकास्ट करते हुए दिख जाएंगे और उन लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा होता है। इस पॉडकास्ट जो वो लोग करते हैं ना, इससे उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो भाई YouTube की एंगेजमेंट और YouTube की व्यूअरशिप तो 2023 में बढ़ने ही वाली है। हो सकता है कि चैनल्स भी बढ़े, बट व्यूअरशिप उसके मामले में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो भाई अगर आप YouTube चैनल 2023 में स्टार्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल गो फॉर इट। मेरे को YouTube पे वीडियो बनाते हुए अराउंड 3.5 साल हो चुका है, 3.5 साल ऑलमोस्ट हो चुका है। और मेरी जो इनकम आनी शुरू हुई थी, ये मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाकर दोबारा दिखाता हूँ। तो इस 365 डेज को अपन करते हैं लाइफ टाइम पे। तो भैया मैंने लाइफ टाइम में यूट्यूब से अराउंड 4 लाख रुपये कमाए हैं। बट यहाँ पे कैच है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब देखो, मेरा जो चैनल है उस पर मैं आपको चैनल दिखाता हूँ। तो भैया मैंने अपना पहला वीडियो डाला था मई 2019 में, बट मेरा जो चैनल मोनेटाइज हुआ था और जो मेरी इनकम शुरू हुई थी, वो देखो मई 2021 से मेरी इनकम एक्चुअल में शुरू होना आनी शुरू हुई थी। 2 साल बाद मेरी इनकम आनी शुरू हुई थी यूट्यूब पे। और ये जो आप सारी इनकम देख रहे हैं, ये 3.5 साल की इनकम नहीं है, सिर्फ 1.5 साल की इनकम है। तो मेरा चैनल जो है ऑलमोस्ट 3.5 साल पुराना है, और ये जो इनकम है, ये पूरी की पूरी इनकम जो आप देख रहे हैं 4 लाख रुपए, ये 1.5 साल की इनकम है। तो आई होप कि इस YouTube वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत जानने को मिला होगा कि किस तरीके से मैंने YouTube की शुरुआत करी थी, किस तरीके से YouTube पैसे देता है, किस तरीके से मैंने जो भी मैं आज कर रहा हूँ उस पर YouTube का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि हमारे स्पेस में लोगों को ढूंढ पाना, लोगों को से नॉलेज ले पाना बहुत मुश्किल है, और YouTube ने मेरे को बहुत हेल्प किया है इस मामले में लोगों से कनेक्ट करने में। लोग आज की डेट में मुझे जानते हैं, लोग आज की डेट में मुझे पहचानते हैं, YouTube से पैसा भी आता है, कुछ और इनकम सोर्सेज भी हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरीके से मैं एज अ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंसल्टेंट। देखिए मैं अभी भी सीखता हूँ और थोड़ा बहुत कंसल्ट कर लेता हूँ, कितना कमाता हूँ ऑन अ मंथली बेसिस, अभी सिर्फ YouTube का दिखा है। और ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक मेरे को ये समझ लो कि अपना पेट्रोल वेट्रोल चाय वाय का खर्चा निकल जाता है। बट स्टिल YouTube से मैं जो आज की डेट में मंथली मेरी इनकम आती है, 2 महीने मैंने वीडियो नहीं डाला है चैनल पे, उसके बाद भी मेरी इतनी इनकम आती है जितना मैं अभी भी मुझे साफ साफ याद है, मैंने जब पहली बार इस स्पेस में आया था तो उसकी आधी मेरी सैलरी थी।
सो इट्स अ गुड थिंग. पैसे मेरे को नहीं चाहिए होते यूट्यूब, अगर मेरे को पैसे नहीं देगा तब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा. और यही मोटिव होना चाहिए हर किसी का यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, ना कि फेम और मनी. क्योंकि अगर आप फेम और मनी के लिए यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे तो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे. तो मेरी जर्नी थी ये यूट्यूब की, और मैं कितने पैसे यूट्यूब से कमाता हूँ मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को खोल के रख दी सामने. अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो. बट मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ नहीं लाता हूँ, इस चैनल पर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड पॉडकास्ट और वीडियोज़ और शॉर्ट्स लेके आता हूँ. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों.